हेलो फ्रेंड्स, कविता हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज चिकन फ्राई की रेसिपी बनाते हैं। बहुत ही कम तेल में बनती है और एकदम चटपटा और मसालेदार। ये बहुत ही टेस्टी और सिंपल है और ये डिलीशियस चिकन फ्राई का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मसालेदार चिकन फ्राई स्टार्टर का रेसिपी। मैंने यहाँ 750 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है। पहला हम मैरिनेट कर लेंगे। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, उसी के साथ आधा टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टीस्पून तीखा लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, उसी के साथ 2 टेबलस्पून नींबू का रस और 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ कसूरी मेथी, उसके बाद 1 टेबलस्पून तेल डाल के स्वाद अनुसार नमक डाल के सारी चीज़ें को मिक्स करेंगे। चिकन को आधा घंटे तक मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। आप चाहिए तो मैरिनेट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। यहाँ मैं नमक डालने के लिए भूल गई थी, मैं अभी डाल रही हूँ। सब साथ में मिलाएंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। 30 मिनट के बाद चिकन को फ्राई करना है। पैन में 2 टेबलस्पून तेल डाल के तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन को एक एक करके ऐसे ही रखेंगे। फ्लेम को हाई रख लेते हैं और एक साइड से चिकन को अच्छी तरह से 5-6 मिनट तक पकाएंगे। हाई फ्लेम में पकाने का बेनिफिट ये है कि चिकन का सारा पानी ड्राई हो जाता है। ऐसे हम दूसरी साइड में भी 5-6 मिनट तक चिकन पीसेस को पकाएंगे। ऐसे ही दोनों तरफ से भी चिकन पीसेस को पकाने के बाद फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे और 7-8 मिनट तक चिकन को कवर करके पकाना है। कवर करके पकाने से चिकन पीसेस एकदम जूसी और सॉफ्ट बन जाता है। यहाँ चिकन पीसेस तो अच्छी तरह से पक चुका है, अब चिकन के सारे पीसेस निकालेंगे। अब इसी पैन में बचा हुआ तेल में एक बड़ी साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इस प्याज को सॉफ्ट होने तक भून लेना है। यहाँ प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सॉफ्ट और मॉइस्ट। इसी के साथ हम डालेंगे शैलो फ्राई किया हुआ चिकन पीस, ये हम अच्छे से मिलाएंगे। चिकन पीसेस को प्याज के साथ मिलाने के बाद 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और 1 चॉप किया हुआ मीडियम साइज का टमाटर और आधा टीस्पून सौंफ पाउडर, दैट इज फेनल सीड पाउडर, और आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, गैस फ्लेम को हाई रख के लगातार इसे चलाते हुए चिकन को हमें भून लेना है। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे करी लीव्स, दैट इज कड़ी पत्ता। इसे तो चटपटा चिकन को अच्छा सा अरोमा देता है। और साथ में 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे। इसे कलर भी अच्छा आता है एंड चिकन भी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो जाता है। स्वाद अनुसार नमक डाल के गैस फ्लेम को हाई रखते हुए चिकन को कंटिन्यूसली भून लेना है, सो दैट द चिकन पीसेस मसाले के साथ अच्छे से कोट होगा। चटपटा और मसालेदार चिकन तो रेडी हो गया है। अभी इसके ऊपर चॉप किया हुआ कोरिएंडर डालेंगे, धनिया पत्ता, और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि रॉ रहेगा तो अच्छा टेस्ट नहीं आता है। सो लेट्स मिक्स इट नाइसली। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी रहेगी। ज़रूर इसे एक बार ट्राई करिए। ये आप स्टार्टर में भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज मेन्स कोर्स में भी सर्व कर सकते हैं। और यहाँ है गर्मा गर्म अलग ही तरीके का चिकन फ्राई, लेट्स सर्व इट। एक बार ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आपका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और ये मसालेदार चिकन फ्राई का रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन में क्लिक करिए और आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज़ कुक एंड बेक विद कविता। मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक एंड बेक विद कविता।